Hey guys, what's up? स्वागत है आपका गेमिंग कॉन्सोल्स के सेटअप वॉर के एक और नए एपिसोड में। इन वाली वीडियोस में मैं आपके ही भेजे गए गेमिंग कॉन्सोल्स को सेटअप को फीचर करता हूं। अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो भाई डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, सारी डिटेल उसमें दे रखी है एग्जैक्ट, आप उसको फॉलो करो और मुझे सेटअप भेजो, आपका भी सेटअप आने वाले एपिसोड में जरूर फीचर होगा। साथ ही साथ नए हो चैनल पे और गेमिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट देखने का मजा आता है आपको तो भैया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक कर दो, 10,000 लाइक का एम रखा हुआ है। आज का पहला सेटअप भेजा है मिस्टर नेहल ने, जो एक 22 साल के ऑप्टोमेट्रिस्ट है। ये कौन सी पोस्ट होती है भाई, जरा कमेंट सेक्शन में समझाओ, वैसे मैं गूगल कर सकता हूँ बट कौन करे, छोड़ो यार। गेमिंग कंसोल की बात करी जाए तो इनके पास एक प्लेस्टेशन 5 है, डिस्क वाला वेरिएंट, टीवी में यूज करते हैं एलजी का 4K 65 इंचेस का ओलेड टीवी। एक्सेसरीज में इनके पास ड्यूल सेंस मिडनाइट ब्लैक कंट्रोलर है, सोनी के हेडफोन्स है। बाकी गेम कलेक्शन की बात करी जाए तो इनके पास है द लास्ट ऑफ अस 2, स्पाइडरमैन, माइल्स मोरेल्स, अल्टीमेट एडिशन, अनचार्टेड की पूरी सीरीज है, GTA 5 है और बहुत सारी गेम्स और भी है यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ओवरऑल सेटअप की बात करी जाए तो इनका सेटअप थोड़ा सा कुछ अलग देखने को मिला है मुझे। जनरली क्या होता है, टीवी वॉल पे माउंट होता है, उसके नीचे शेल्फ बने होते हैं, बट इनका टीवी जहां पे माउंट है ना भाई, उसके ऊपर एक शेल्फ बना हुआ है जहां पे इन्होंने अपना प्लेस्टेशन 5 भी लेटा के रखा है और साथ में ही भाई एसी भी है। मान लो इनके एसी से कभी भी पानी लीक हुआ ना तो इनकी प्लेस्टेशन का तो खत्म। बाकी केबल मैनेजमेंट मुझे सही लग रही है, कहीं पे भी ज्यादा केबल देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा मैं आपको सजेशन दूं तो भाई अपने टीवी के पीछे एक RGB स्ट्रिप या फिर कोई RGB ट्यूबलाइट लगा लो, जैसे मैंने लगा रखे बैकग्राउंड में, तो 4 चांद लग जाएंगे सेटअप में। आज का सेकंड सेटअप भेजा है समर्थ बंसल ने, जो कि एक 14 साल के स्टूडेंट है। गेमिंग कंसोल की बात करी जाए तो उनके पास एक प्लेस्टेशन 4 है 500GB वाला, टीवी में यूज करते हैं सोनी ब्राविया का 55 इंचेस का 4K टीवी और एक्सेसरीज में इनके पास एक सोनी का 360° सराउंड होम थिएटर है, साथ ही साथ कॉस्मिक बाइट GS410 हेडफोन्स है। मतलब ये हेडफोन्स तो भाई हमने गेम सुख में इतने बेचे हैं ना जिसकी गिनती ही नहीं है भाई। इसके अलावा 2 इनके पास ड्यूल शॉक 4 कंट्रोलर्स भी है। गेम कलेक्शन की बात करी जाए तो डिस्क में इनके पास NBA 2K20, FIFA 2K20, WWE 2K20, Mortal Kombat X, Horizon Zero Dawn, Uncharted, Uncharted 4, God of War 3, Minecraft, Harry Potter, Avengers, GTA 5 एंड Marvel Spider-Man भी है। ओवरऑल सेटअप की बात करी जाए तो टीवी इन्होंने वॉल पे माउंट किया हुआ है, उसी के नीचे 3 अलग अलग शेल्फ बने हुए हैं, कैबिनेट्स बने हुए हैं, तीनों पे इन्होंने कुछ अलग अलग तरह का सामान रखा हुआ है, बट इनकी जो प्लेस्टेशन 4 स्लिम है 500GB वाली, वो बीच वाले कैबिनेट के ऊपर रखी है। वायरिंग थोड़ी बहुत दिख रही है, वही 2 वायर जो प्लग में से जा रही है, वो उसके अलावा कोई भी इधर उधर फालतू की वायरिंग नहीं है। सेटअप जो है वो काफी नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है मुझे। वही सेम सजेशन दूंगा, टीवी के पीछे एक RGB स्ट्रिप लगा लो, मस्त हो जाएगा। आज का तीसरा सेटअप भेजा है अब्दुल राफे ने, जो कि 15 साल के स्टूडेंट है और ये है भाई सीधा पाकिस्तान से। गेमिंग कंसोल की बात करी जाए तो प्लेस्टेशन 4 स्लिम है इनके पास 500GB वाला, PSP Go भी है 12GB वाला, टीवी में यूज करते हैं सैमसंग का 32 इंचेस का नॉर्मल 720p वाला टीवी। एक्सेसरीज में इनके पास एक ओरिजिनल PS4 कंट्रोलर है और एक मास्टर कॉपी है PS4 कंट्रोलर की। मतलब भाई की ऑनेस्टी की दाद देनी पड़ेगी, कॉपी वाला है कंट्रोलर फिर भी साफ साफ बता दिया, 720 वाला टीवी है वो भी बता दिया, वरना काफी लोग कहते हैं 32 इंचेस का HD टीवी है, बट भाई ने प्रॉपर लिखा है कि नॉन HD। बाकी गेम्स की बात करी जाए तो फिजिकल डिस्क में इनके पास सिर्फ गॉड ऑफ वॉर है और डिजिटल में इनके पास PES 22, Fortnite, F1 2016, Rocket League, The Crew 2। गेम कलेक्शन भाई का कुछ इतना खास नहीं है, बट आजकल ना PSP मुझे बहुत कम देखने को मिलते हैं लोगों के पास और इनके सेटअप में इनके पास PSP Go है, तो थम्स अप मेरी तरफ से, इसी बात पे वीडियो को भी लाइक कर दो सब। ओवरऑल सेटअप की बात करी जाए तो इनका जो पूरा टीवी यूनिट है या टीवी शेल्फ है ना, काफी ज्यादा मस्त लग रहा है डिजाइन में भी और कलर वाइज भी। टीवी इन्होंने नॉर्मली वॉल पे माउंट किया हुआ है, उसके नीचे शेल्फ पे इन्होंने अपनी गेम की डिस्क, PSP, PS4 और साथ ही साथ कंट्रोलर को भी रखा हुआ, और इसके अलावा कोई भी चीज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है मुझे। हाँ, 2-3 वायर जरूर दिख रही है, बट उसको ये थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरी तरफ से भाई PSP Go के लिए एंड आपकी ऑनेस्टी के लिए थम्स अप। आज का लास्ट सेटअप भेजा है भाई फरान खान ने, जो कि एक 13 साल के स्टूडेंट है। गेमिंग कंसोल में इनके पास एक प्लेस्टेशन 5 है, डिस्क वाला वेरिएंट। एक्सेसरीज में ये यूज करते हैं 1 PS5 कंट्रोलर, साथ ही साथ JBL के क्वांटम 100 हेडफोन्स। टीवी इन्होंने भाई साहब कहीं भी मेंशन नहीं किया है। पार्थ जी, एडिटर साहब क्या कर रहे हो बताओ, हैं हैं डालना ये वीडियो में, सबको पता चलना चाहिए जो तुम सेटअप उल्टे-पुल्टे उठा रहे हो ना, किसकी गलती है? चीटिंग करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है।
गेम की बात करी जाए तो ये इन्होंने लिखा हुआ है कि ये प्रेफर करते हैं भाई सेकंड हैंड गेम्स खरीदने का, और फेवरेट बाइंग वेबसाइट है gameloot.in, नॉट अ पेड प्रमोशन, पता नहीं इन्हीं की वेबसाइट ना हो। नहीं यार, ये तो बच्चे हैं 13 साल के, इनकी कहां से होगी। बाकी गेम्स की कलेक्शन इन्होंने थोड़ी बहुत डाली भी हुई है यहाँ पे, रेड डेड रिडेम्पशन 2 है, गोस्ट ऑफ टुशीमा है, माइनक्राफ्ट है, GTA 5 है, मोर्टल कॉम्बैट 11 है। इसके अलावा जो ओवरऑल सेटअप है इनका, टीवी भाई साहब ये, बट ये तो मेरे कोई 20x20 का टीवी लग रहा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा है ना, चौरस सा अजीब सा, जो कि इन्होंने वॉल पे माउंट किया हुआ है। उसके पीछे एक RGB स्ट्रिप भी लगा रखी है पिंक कलर का चला के, और नीचे एक टेबल रखा हुआ है ग्लास का, उसके ऊपर इन्होंने PlayStation 5 को रखा हुआ खड़ा करके। मतलब यार मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब इतना तगड़ा कंसोल है PS5 4K 8K तक की गेमिंग करवा सकता है, आप ये 16-17 इंच के सैमसंग के टीवी में क्यों चला रहे हो भाई साहब। उससे अच्छा मैं आपको सजेशन देता कि एक पुरानी PS4 खरीद लेते और उसके साथ साथ एक टीवी ले लेते, अब तो 9-10 हज़ार रुपए में 32 इंची टीवी मिल जाता है, तो वो आपका ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता गेमिंग में। PS5 की आप पूरी जो हार्डवेयर है उसकी निचोड़ के पावर तो यूज कर ही नहीं पा रहे हो टीवी की वजह से, तो फिर फायदा नहीं हुआ। हाँ, ये हो सकता है कि आप कुछ दिनों में एक बड़ा टीवी लेने वाले हो, या फिर आपके दूसरे रूम में एक बड़ा टीवी हो 4K या फिर HD भी चलेगा, तो शायद से मैं वो समझ आ सकता है, वरना PS5 का इतने छोटे टीवी के साथ, वो भी 720 होगा मेरे ख्याल, तो ये उसके साथ गेमिंग करने का क्या ही क्वालिटी मिलेगी, मजा ही नहीं आएगा कुछ भी। बाकी कुछ गलत लग गया हो तो भाई दिल से माफी, कमेंट सेक्शन में सब लोग बताना आपकी क्या राय है इस बारे में। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं 4 ही सेटअप लेता हूँ, अगली वीडियो में हो सकता है आपका भी सेटअप फीचर हो जाए, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वीडियो देख लेना पूरी, फिर ही भेजना वरना रिजेक्ट हो जाएगा जी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं बढ़ना पीका। बाय बाय।